जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, सीआरपीएफ के द्वारा यहां पे दो नोटिस जो है रिलीज किए गए हैं और बिल्कुल दोस्तों आप सभी के लिए बैड न्यूज है। वैकेंसी को इस दर से घटाया गया है दोस्तों, जिसमें आपके यहां पे वैकेंसी जो है बहुत जो है कम कर दी गई है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपका जो है नोटिस जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आप नोटिस को जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है कौन से पद जो है आपके यहाँ पे कम किए गए हैं। दोस्तों, जो यहाँ पे काफ़ी जो पांच पद थे उसके जो है यहाँ पे आपकी वैकेंसी को जो है कम कर दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो है आधिकारिक वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली जो है आपको नीचे जो है यहाँ पे आ जाना है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों जो आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड जो डाउनलोड वाला जो सेक्शन था वो यहाँ पे जो है अभी भी एक्टिव पड़ा हुआ है। और इसके रिगार्डिंग जो आपके एडमिट कार्ड जो डाउनलोड नहीं हो रहे थे उसके रिगार्डिंग कोई जो है नोटिस यहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा जो है यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे कोरिजेंडम जो डेट है 29/6/2023, इसके अंदर यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एक नोटिस रिलीज किया गया है। इस नोटिस को जो है हम ओपन कर लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सिंपली इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपकी जो वैकेंसी का पूरा जो है यहाँ पे रिवाइज्ड वैकेंसी और यहाँ पे जो है आपकी वैकेंसी थी वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो आपका सिटी कोबलर था जिसमें आपकी यहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पे थी, और इसके बाद यहाँ पे जो आपका 68 वैकेंसी थी, और अब जो है आपका वैकेंसी जो है जो आपका लगभग दोस्तों आपका जो है हाफ से भी कम यहाँ पर कर दिया गया है। 33 वैकेंसी यहाँ पर आपकी कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी थी जो सफाई कर्मचारी मेल की, उसको जो है यहाँ पे एक से घटाकर बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपके स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है अलग अलग जो है जानकारी पूरी डिटेल में दी गई है। तो इस नोटिस में जो है आपका पूरा डिटेल दिया गया है कि आपके किस राज्य से कितनी वैकेंसी थी और जो है कहाँ से जो है कितनी वैकेंसी जो है अब कर दी गई है। तो ये यहाँ पे आपका जो नोटिस जो है वो पूरा नोटिस है। ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या दोस्तों हमारी वेबसाइट स्टडी मटेरियल A2Z.in पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके जो है आपका सीआरपीएफ के द्वारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है वो आप देख सकते हैं, कोरिजेंडम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार का जो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि कब आपका एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पे जारी किया गया था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कोरिजेंडम, इसके अंदर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रेफरेंस यहाँ पे दी गई है। और आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखिएगा, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन यहाँ पे जो है डिटेल दी गई है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो आपका 17/4/2023 जो है आपका यहाँ पे कोरिजेंडम का रिगार्डिंग अपडेट किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो की गई है। तो आप इसको जो है अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो वैकेंसी थी वो किस प्रकार से घटाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिटी कोबलर की जो मेल की वैकेंसी थी दोस्तों वो आपकी 151 थी और अब जो है घटाकर 59 कर दी गई है। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे वॉशरमैन का जो वैकेंसी था मेल का वो 403 था और अब घटाकर जो है 214 कर दिया गया है। यानी आपका हाफ से भी ज़्यादा जो है दोस्तों डिक्रीज यहाँ पर किया जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर जो बार्बर की मेल की वैकेंसी थी 303 थी और इसको घटाकर आपका जो है 100 कर दिया गया है। उसके बाद जो सफाई कर्मचारी मेल का जो वैकेंसी था वो 812 था, उसके बाद आपका जो है 417 कर दिया गया है फाइनली में। उसके बाद जो आपके यहाँ पे वॉशरमैन फीमेल और दोस्तों सफाई कर्मचारी फीमेल, ये जो वैकेंसी आपकी 3 और 13 थी उसको घटाकर 0 कर दिया गया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड जो है क्यों नहीं जारी किया गया था और यहाँ पे जो है आपकी जो वैकेंसी जो है इस तरह से डिक्रीज की गई है। ये जो है आपको इशू इसीलिए एडमिट कार्ड को जो है आपकी ऑफिशियली वेबसाइट से यहाँ से हटाया गया था। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी जो सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के जिनको भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ पा रही थी। तो अब जो है फाइनली आपका जो है पूरा जो है डिटेल में एक नोटिफिकेशन जो है सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाएगा,
जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप एडमिट कार्ड कब से कैसे जो है डाउनलोड कर पाएंगे और क्या आपकी एग्ज़ाम डेट रहेगी। तो जो रीशेड्यूल जो है पूरी तरह से दोस्तों जो आपका नोटिस जो है वो बिल्कुल रिलीज किया जाएगा। बट आप सभी के लिए यहाँ पे जो है एक बैड न्यूज़ जो आपके सामने जो है ये नोटिस निकाल कर CRPF के द्वारा यहाँ पे जो है रिलीज की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो है पहले रीशेड्यूल किया गया था, अब जो है फिर से अगेन जो है आपका एक नोटिस जो है आपके CRPF के द्वारा कोरिजेंडम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ से आसानी से जो है चेक कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट जानकारी जो है इस वीडियो में आपको दे दी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।